हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं अमित स्वयं आपको अपने चैनल अमित स्वयं फ्रीज में फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। वीडियो नहीं बन रहे हैं कुछ कह सकते हो वापस, वही परेशानी है क्योंकि एक्चुअली मैं मेन जो थिंग है ना वो है अर्निंग, और वो नहीं हो पा रहा था जिसके वजह से स्कूल्स ज्वाइन करने पड़ते हैं। और स्कूल जब हम जाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास कुछ जिम्मेदारियाँ आ जाती है एज अ टीचर। मेरे ख्याल से कि वो जिम्मेदारियाँ हमें पूरी करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पेपर प्रिपेयर करना, उनके एग्जाम्स की बात हो गई, ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे काम होते हैं जिनके लिए हमें टाइम चाहिए। प्लस अलग से कुछ ऑफलाइन ट्यूशन चलते हैं, उन सब के चलते टाइम नहीं हो रहा है, तो नहीं एडजस्ट हो रहा। तो दूसरा था कि उसमें से कुछ एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा था, तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था जिसके वजह से कह सकते हो कि ये जो क्लास है वो नहीं हो पा रहा है। लेकिन छोटी छोटी खुशियां कई बार जो है आपको बहुत ज़्यादा खुशी दे जाता है। यानी कि एक छोटा सा एप्रिसिएशन जो किसी की तरफ से कर दिया जाए आपको, तो आपको बहुत ही ज़्यादा एनकरेज मिलता है आपको। मतलब उस काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा आप एनकरेज हो जाते हो, यानी आपको मज़ा आता है फिर वो काम करने के लिए। तो आज का वीडियो बनाने का कोई यही रीज़न है कि एक छोटा सा एप्रिसिएशन दिया गया है टीचमेंट की तरफ से, क्योंकि 500 आवर्स से मोर देन 500 आवर्स जो है वो वीडियो को स्टूडेंट्स ने देखा है और स्टूडेंट्स ने कुछ उसमें सीखा है। मतलब लाइव लेक्चर्स को उन्होंने एंजॉय किया है। तो कुछ ये छोटा सा एक पार्सल आया था, मैंने वैसे ये ओपन तो कर दिया है, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता था कि कभी कभी हमारा जो काम है ना, जब अप्रिसिएट किया जाता है तो बहुत अच्छा लगता है, और आप स्टूडेंट्स के सपोर्ट की वजह से कभी कभी कुछ अच्छा मिल जाता है। ये मेरा एक छोटा सा सेटअप है जहाँ पे मैं वीडियो एडिट करता हूँ या आप लोग का ऑनलाइन क्लास में अरेंज करता हूँ। तो ये वो सेटअप है, और फिलहाल देखो ये मैंने एक्चुअली में ओपन कर दिया था, बस मैंने वापस उसको लपेट कर दिया था ताकि आप लोग को दिखाना था मुझे। ये है किसकी तरफ से, तो आपको ऊपर ही दिख रहा है टीचमेंट की तरफ से। तो सबसे पहले थैंक यू टीचमेंट इसके लिए। और इसके अंदर जो है वो है सबसे पहले ये सब आपकी तरफ से सक्सेस ग्रुप ट्यूशन ऑनलाइन क्लास का ये कुछ है, ये आप देख सकते हो पूरी तरह से, ठीक है। और 100 आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस जो है टीचिंग के वो पूरे हो गए, और मोर देन 500 आवर्स का जो है वॉच टाइम हो गया है। तो ये हमें मिला हुआ है टीचमेंट की तरफ से, थैंक यू वेरी मच टीचमेंट। और ये हमें एज अ सिल्वर बेच की तरफ पे मिला है, तो वन सेकेंड थैंक यू। सेकेंड जो है इसमें ये कुछ है, एक छोटा सा टी शर्ट, छोटा सा नहीं कह सकते एक्चुअली में, मैंने देखा था इसको ओपन करके काफी बड़ा सा है। तो टीचमेंट का थैंक यू तो है, लेकिन टीचमेंट को थोड़ा सा कहूंगा कि सर साइज पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कीजिए, एक्सेल नहीं, मुझे डबल एक्सेल लग रहा है कल। ये है, हाँ थोड़ा सा शरीर में बाहर आ रहा है, तो ये टीचमेंट की तरफ से। तो इसको पहन के हम देखेंगे नेक्स्ट जो है, लेकिन फिलहाल ये आज ही आया है, डिलीवर हुआ है, और काफी 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 अच्छा है, क्वालिटी भी काफी अच्छी है। तो यही था, थैंक यू टीचमेंट। और देखो कभी कभी ना निराश हो जाते हैं अपने काम को लेकर, जब हमें उसमें क्या है एप्रिसिएशंस नहीं मिलते, जब हमें उसमें कुछ मिलता नहीं है। सीधी सी बात है, सीधा डायरेक्ट पॉइंट पे आऊंगा, अर्निंग नहीं हो पाता है, यानी कि आपको उस पर फिर, क्योंकि नॉर्मल तो एक लाइफ को रन करने के लिए थोड़े बहुत तो चाहिए ना, पैसे की तो जरूरत है, वो एक सेकेंड थिंग है कि मैं यहाँ पर कुछ भी बोल दूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है, उसके लिए रिक्वायरमेंट होता है, सबको पता है, ठीक है। मैं भी इसीलिए काम कर रहा हूँ, हाँ पढ़ाना मेरा पैशन है, मुझे बहुत मज़ा आता है उस चीज़ को, मैं पढ़ाते समय बहुत एंजॉय करता हूँ, लेकिन लाइफ को रन करने के लिए ज़रूरी होता है, पैसों की जरूरत होती है। तो बस उसी के लिए ऑनलाइन क्लास नहीं हो पा रहे थे, लेकिन ये जो टीचमेंट का जो ये जो एप्रिसिएशन है ना, ये और ये दो चीज फिर से एक बार आपको क्या करता है, एनकरेज करता है काम को फिर से स्टार्ट करने के लिए। तो हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं अभी ये लेक्चर जो है ना, 100% नहीं कह सकते, 99% 1% चांस है कि ब्रेक होगा, बाकी आपको एक सरप्राइज है। सरप्राइज क्या है थोड़ी देर में बताता हूँ, पहले हम कुछ पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं। देखो अभी कुछ
पहले है ना मेरे साथ कुछ ऐसे चीजें हुए हैं कि आप विश्वास नहीं करोगे। मतलब मैं पढ़ाता हूँ बेसिकली फिजिक्स हूँ, यानी कि साइंस फील्ड से हूँ मैं। आपको 10th के फिजिक्स पढ़ाता हूँ, 10th के मैथ्स पढ़ाता हूँ, और साथ में मैं आपको पढ़ाता हूँ 11th 12th के फिजिक्स विथ प्रैक्टिकल्स। ठीक है, तो यहाँ तक तो सब सही है। चलो यहाँ पे भी ट्विस्ट क्या है, एक जगह मैं स्कूल जाता हूँ, स्कूल का नाम नहीं लूंगा। एक्चुअली मैं दो जगह पढ़ा रहा हूँ, एक जगह पार्ट टाइम मैं हूँ एज ए पार्ट टाइम टीचर पढ़ा रहा हूँ, और एक जगह मैं परमानेंट हूँ। तो दोनों में से कोई भी स्कूल हो सकता है, मैं बात नहीं करूंगा, स्कूल का नाम नहीं लूंगा। तो स्कूल है, वहां की एक प्रिंसिपल है। ठीक है, आप प्रिंसिपल जी ने आज से लगभग लगभग 3 4 5 नहीं 1 साल पहले कह सकते हो, अप्रोक्स 1 ईयर। देखो इसलिए मैंने उसके बारे में डिस्कस नहीं किया था ना, क्योंकि अभी कुछ और भी अजीबोगरीब चीज हो रही है जिसके वजह से ये पॉइंट्स को डिस्कस करना जरूरी था। थोड़ा सा ही है बस। अब उन्होंने क्या किया ना कि देखो, सबसे पहले मुझे हमें अभी किसी सब्जेक्ट्स को छोटा बड़ा नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। सब हर सब्जेक्ट की अपने अपने गरिमा है और अपना अपना उनका वजूद है। लेकिन एक स्टूडेंट को प्रिपरेशन के तरीके पर देखा जाए तो कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा आसान होता है प्रिपेयर करने में, तो अगर मेरे हिसाब से मैं देखूँ, जब मैं एज अ स्टूडेंट पढ़ रहा था तो मेरे लिए सबसे आसान था प्रिपेयर करना, जल्दी से उसको तैयारी कर लेना, वो था क्योंकि मेरा एक लैंग्वेज हिंदी भी था और इंग्लिश भी था साथ में। तो मुझे वो दो सब्जेक्ट ही थोड़ा आसान लगते थे जिसको मैं जल्दी कर लेता था। मतलब क्या, ठीक ठाक कर लेता था। जितना मुझे फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या मैथ्स में पास होने के लिए इतना स्ट्रगल, मतलब इतना मेहनत करना पड़ता था सिर्फ पासिंग मार्क्स लाने के लिए, उसके कंपेयर में लैंग्वेज सब्जेक्ट को कम फोकस करके, उसका मतलब समझ लो कि 20% फोकस करके भी आप उसको कर सकते हो। क्योंकि वो एक्चुअली में क्या, लिटरेचर आपको समझना है, कहानी को आपको जीना है। अगर आप वो समझ गए तो बस आपको फिर वो आ जाएगा। मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है, मैं थोड़ा कभी कभी इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ, मुझे मज़ा आता है उसको पढ़ाने में। हाँ, प्रोफेशनल तौर पे नहीं, लेकिन कहते हैं ना, एक हॉबी के तौर पे मैं इंग्लिश कभी कभी पढ़ाता हूँ, लेकिन मुझे मज़ा आता है। ग्रामेटिकल सेक्शन नहीं, क्योंकि वो हमारा सेक्शन नहीं, मुझे कहानियाँ पढ़ने और समझाने में बहुत मज़ा आता है, तो इसीलिए मैं उसको लेता हूँ। कभी कभी मैं हिस्ट्री भी पढ़ा लेता हूँ, क्योंकि मुझे हिस्ट्री में पॉलिटिक्स बहुत पसंद है। मतलब मौका मिला तो जरूर आऊंगा, मैं झूठ नहीं कहूंगा, मुझे बहुत पसंद है। तो उसको लेके भी तो मैं वो भी कभी कभी पढ़ाता हूँ, मुझे भी बहुत पसंद है वो चीज़ें, तो वो मैं करता हूँ। ठीक है, हाँ, लेकिन प्रोफेशनल नहीं, पूरी तरह से नहीं, बस शौकिया तौर पर कभी कभी मजा आता है। क्लास में कभी कभार कोई टीचर नहीं आए हैं, क्लास में ब्लैंक जा रहा है, खाली जा रहा है, तो मैं कभी कभी पढ़ाता हूँ क्योंकि मुझे मजा आता है। अब हुआ क्या, 1 साल पहले की बात है, उन्होंने क्या किया, हिंदी का कंपैरिजन फिजिक्स के साथ कर दिया। कहा कि जैसा हिंदी है वैसा फिजिक्स है, बस पढ़ लो और पढ़ के चले दो, क्लास में चले जाओ, हो जाएगा, बच्चे पढ़ लेंगे। आज तक मुझे वो पॉइंट समझ में नहीं आया, लेकिन अभी कुछ ऐसा हुआ फिर से कि ये आप डिस्कस कर रहे हैं। तो ऐसे है ना, कभी कभी आपको कहते हैं ना, मतलब दिमाग उनका आप कह नहीं सकते कहाँ पर है, बस समझ जाओ आप। वो उन लोगों को आप कभी किसी में कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। वो मतलब अलग ही दुनिया से आते हैं, तो वो चाहते हैं कि अपना जो वजूद है ना, वो मतलब वो आपके ऊपर राज कर सके, उस टाइप का है। तो छोड़िए उसको, हम जो छोड़ते हैं। हाँ, अभी आपके सरप्राइज की बात करते हैं फिर से एक बार। अगेन टीच मी, थैंक यू। तो है क्या आपके लिए एक सरप्राइज है, क्या है वो? आपके क्लास, क्लास 10th और क्लास 12th वालों के लिए खास करके, और 11th वालों के लिए भी। 11th का उतना ज्यादा नहीं है, वीकेंड पे ही क्या 2 क्लास होंगे, लेकिन 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 10th और 12th आपके लिए एक सरप्राइज है बहुत बड़ा। उसके लिए सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो, बेल को क्लिक करके रखो और ऑल पे क्लिक करना, बोलना नहीं। उसका रीजन क्या है, आपके क्लास लाइव होने जा रहे हैं टीचमेंट पर भी और यूट्यूब पर भी। मैंने उसके ऊपर अभी 2 दिन की छुट्टी थी, उस पर मैंने काम कर लिया है। तो आपके क्लास यूट्यूब पे भी आएंगे और टीचमेंट पे लाइव लेक्चर्स रहेंगे, और बहुत सारे लेक्चर्स लाइव हो रहे होंगे यूट्यूब पे भी। टीचमेंट के लिए आपको सबसे पहले मेरे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, फिर उस पर नीचे एक व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, नंबर दिया है बेसिकली, उस नंबर पे आपको क्लिक करके सब्सक्राइब किए हुए, आपने सब्सक्राइब किया है, मेरे सब्सक्राइबर हो, ये मुझे आपको भेजना है उसका स्क्रीनशॉट।
और फिर आपको मैं एक नंबर सेंड करूंगा, उसी नंबर पे, उसी व्हाट्सएप नंबर पे आपके पास आएगा, यानी मेरे टीचमेंट क्लास का आईडी आएगा आपके पास। तो 10th और 12th की जो क्लास है रात को 9 बजे चलेंगे, क्योंकि देखो उसके पहले मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ऐसे तो फ्री हो जाता हूँ 8:30 अराउंड, लेकिन क्या है ना फिर मुझे खाना वाना तो खाना पड़ेगा ना सुबह से लेकर शाम तक, समझ रहे हो ना। ओके, तो 9 o'clock और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 9:30, बाकी 9 o'clock तैयार रहिएगा। आपको नोटिफिकेशन ऐसे भी आएगा, टीचमेंट के बहुत सारे अच्छे फीचर्स हैं जिसमें आपको नोटिफिकेशन तुरंत दे देगा जैसे क्लास लाइव होगा। मैं 10 मिनट्स का बीच में गैप लूंगा जिससे आप तुरंत ज्वाइन कर लो मुझे, और फिर उसके बाद अगर 9 बजे स्टार्ट होता है तो 9:10 या मैक्सिमम होगा तो 9:30 तक तो स्टार्ट हो ही जाएगा। तो लेक्चर्स यूट्यूब पे भी आएंगे, तो आप फर्स्ट लेक्चर यूट्यूब से भी देख सकते हो, और उसका जो सब्सक्राइबर का जो सब्सक्रिप्शन आपने सब्सक्राइब किया है उसका जो स्क्रीनशॉट है ना आपको सेंड करना पड़ेगा मुझे यूट्यूब पे, फिर आप वहाँ पे सॉरी व्हाट्सएप पे, नीचे नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन में, उसमें से आप मुझे सेंड कर सकते हो, फिर वहाँ पे आपको टीचमेंट की आईडी मिलेगी। हाँ, लेकिन ये मिलेगा आपको फर्स्ट यूट्यूब वीडियो में, आप उस वीडियो को आप देखोगे, उसका आप सब्सक्राइब बटन क्लिक करोगे और फिर मुझे सेंड करोगे, ठीक है। और अगर पहले से किए हो तो नो डाउट कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, आपको तुरंत मिल जाएगा, मुझे व्हाट्सएप कीजिए बस। और क्या, जैसे पहले लास्ट ईयर आपको पता है कि यूपी के, बिहार से, राजस्थान से, ठीक है, हरियाणा से काफ़ी स्टूडेंट्स ने टीचमेंट में मुझे लाइव लेक्चर ज्वाइन किया, उनको काफ़ी बेनिफिट हुआ, और तो इस तरह से आपकी पढ़ाई जो है कंटिन्यू कर सकते हो, मज़ा आएगा, डेफिनेटली आपको मज़ा आएगा। 10th के स्टूडेंट्स हो, 12th के हो, 11th के भी, आपको सबको मजा आएगा। 11, 12 फिजिक्स और 10 में मैथ्स एंड साइंस। साइंस में हम कवर करेंगे फिजिक्स के चैप्टर्स और 10th में सारे चैप्टर्स, मैथ्स के सारे। तो एंजॉय कीजिए, मजे कीजिए, और क्या करना है आपको, बस सब्सक्राइब करना है। तो क्लास कैसे रहेंगे उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, क्लास आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो ये क्लास जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, तो क्लास कुछ इसी तरह से आने वाले हैं, यानी कि मंडे, वेडनेसडे एंड संडे, सॉरी सैटरडे। तो मंडे, वेडनेसडे, सैटरडे आपको याद रखना है, 12th की क्लास है। ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, सॉरी ट्यूसडे, ओके ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, मैंने सर उल्टा बोल दिया ना, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मैं थोड़ा उल्टा बोल रहा हूँ, क्योंकि पहले रिकॉर्ड किया ना, तो लाइव है तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत। ओके, देख लेते हैं, फिर से एक बार रिपीट करते हैं, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। ओके ओके, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे आपको मिलेंगे 12th के क्लास, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे आपको मिलेंगे 10th के क्लास, ठीक है। ये अल्टरनेट रहेगा, 1 वीक आपका साइंस चलेगा, तो 1 वीक आपका मैथ्स चलेगा, और फिजिक्स के क्लास जो है कंटिन्यू 3 लेक्चर्स चलेंगे, मे बी लेक्चर्स 1 आवर और मोर देन 1 आवर करेगा, क्योंकि आपको पता है टीचमेंट में तो लिमिट ही नहीं है, तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग और बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो मिलते हैं, आपको तब तक क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल को क्लिक करना है और स्क्रीनशॉट शेयर करना है। पहले कर दिए हो तो कोई बात नहीं, आपको पहले लेक्चर में ही आपको एंट्री मिल जाएगा टीचमेंट पे, लाइव लेक्चर, लाइव क्वेश्चन कर सकते हो आप। और अगर आपको रिपीटेड वीडियो देखना है बार बार, तो अगर आपको उसको दोबारा से देखना है या आपने कोई लेक्चर मिस कर दिया है, तो यूट्यूब तो है ही। और एक तो बड़ा सा अनाउंसमेंट भूल रहा हूँ, पिछले कुछ दिनों में ही हमारे YouTube चैनल का मोनेटाइजेशन हो गया है, तो इसके लिए आप सभी स्टूडेंट्स को थैंक यू वेरी मच बड़ा सा। और आज इसके बाद और मजा आ गया, मेन तो देखो ये है, टी शर्ट तो चलो कोई बात नहीं, ये ऐसे छोटे छोटे रिवॉर्ड जो है ना बहुत कुछ देते हैं। तो मिलते हैं हम किस में, टीचमेंट में सब्सक्राइब कर लो, यूट्यूब में तो भी सब्सक्राइब कर लो, और बगल में बेल को क्लिक कर दो। चलो, थैंक यू वेरी मच।